कहानी की शुरुआत में हम ब्रेंट को अपने पिता के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे। ब्रेंट ड्राइव कर रहा था और वो कहता है कि डैड, आपकी गाड़ी बदल लेनी चाहिए, इसका हीटर भी अब सही से काम नहीं करता है। इसी बीच लतपत एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और इस हादसे में ब्रेंट के पिता की मौत हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ब्रेंट को देखते हैं, जो आज भी खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानता है। ब्रेंट अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेस रहने लगा है। तभी उसका दोस्त जेमी वहाँ आकर उसको देता है, क्योंकि उसका आज नचने का मन है। फिर कुछ देर बाद उसकी क्लासमेट लॉला स्टोन वहाँ पर आती है और वो ब्रेंट को प्रॉम में अपने साथ चलने के लिए बोलती है, मगर ब्रेंट मना कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद बाहर आते वक्त ब्रेंट को होली मिलती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बताती है कि फाइनली मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है और अब मैं ड्राइव कर सकती हूँ। फिर बातें करते हुए वो कार में रोमांस करने लगते हैं। तभी होली देखती है कि ब्रेंट के शरीर पर बहुत सारे के निशान हैं। दरअसल ब्रेंट को जब भी अपने पिता की याद आती है तो वो खुद को सजा देता है, क्योंकि वो अपने आप को अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। फिर होली ब्रेंट को अपनी कार से घर छोड़ने जाती है। जाते वक्त ब्रेंट बताता है कि लॉला स्टोन ने उसको प्रॉम में आने के लिए पूछा था। खैर, अब घर आने पर ब्रेंट की मॉम कार्ला उससे पूछती है कि तुम प्रॉम में कैसे जाओगे। इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि होली को लाइसेंस मिल गया तो वही मुझको अपने साथ ले जाएगी। ब्रेंट की मॉम उस एक्सीडेंट के बाद से ही ब्रेंट को किसी के साथ गाड़ी में जाने नहीं देती। अपने हस्बैंड के मरने के बाद से कार्ला भी डिप्रेस रहती है और उसको भी यही लगता है कि ब्रेंट की गलत ड्राइविंग के कारण ही उसने अपने पति को खो दिया है। इधर ब्रेंट अपनी माँ के इस बर्ताव से चिढ़कर अपने हाथ को काटते हुए अपने डॉग के साथ वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है और वहाँ एक चट्टान से गिरकर मरना सोचता है, मगर फिर मन बदलने पर वो ऊपर जाकर गाने सुनते हुए करने लगता है। इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठाता तभी पीछे से एक आदमी आकर ब्रेंट की सांस को रोककर उसको बेहोश कर देता है और वो आदमी ब्रेंट को अपने साथ ट्रक में कहीं पर ले जाता है। यही दूसरी ओर होली प्रॉम के लिए तैयार होकर ब्रेंट को लेने उसके घर आती है। तभी वहाँ कार्ला दौड़ती हुई आती है और पूछती है कि क्या तुमने ब्रेंट को कहीं देखा है। अब होली को पता चलता है कि ब्रेंट तो घर पर आया ही नहीं है, इसलिए वो कॉल करके ब्रेंट के बारे में पूछती है। इसी बीच जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें ब्रेंट का डॉग जख्मी हालत में मिलता है। अब रात होने पर कार्ला अपने पड़ोसी पॉल को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। पॉल कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, ब्रेंट अक्सर ऐसा ही करता है, वो कहीं भी निकल जाता है। मगर तभी उसके डिश पर हमले वाली बात पॉल का ध्यान खींच लेती है और उसको थोड़ा शक होता है। दूसरी ओर होली डॉग को अस्पताल लेकर जाती है, मगर वो रास्ते में ही मर जाता है। इधर वो ट्रक वाला इंसान वहाँ से जाते वक्त रास्ते में पड़े मरे हुए जानवर को भी उठा लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉला के डैड है। अब वो चेक करने लगते हैं कि ब्रेंट जिंदा है या फिर नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ उसके डैड लॉला को ड्रेस देते हैं प्रॉम में पहनने के लिए, जिसको देखकर वो जाने लगते हैं। लेकिन लॉला कहती है कि मैं पहन के देखती हूँ और वो अपने डैड के सामने ही ड्रेस पहनने लगती है। उसके डैड भी उसे अजीब तरह से घूर कर देखने लगते हैं। फिर हम ब्रेंट को प्रॉम के लिए तैयार एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं। उसने ब्लैक ब्लेजर डाला है। आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है और साइड में लॉला स्टोन है और दूसरी तरफ एक औरत बैठी है जिसके माथे में छेद है, जो कि अजीब तरह बर्ताव कर रही है। ब्रेंट हिलने की कोशिश करता है, मगर वो बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच लॉला उस औरत को जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है और फिर ब्रेंट की तरफ देखकर तुम्हें भी चाहिए क्या, ये कहकर हंसने लगती है। और अब वो टेबल पीछे करके ब्रेंट के सामने खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगती है, मगर ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। फिर लॉला के डैड एक हथौड़ा लेकर आते हैं और ब्रेंट के मुंह ना खोलने पर उसको जोर से टेबल पर मारते हैं, जिससे ब्रेंट डर जाता है। और फिर ब्रेंट वहाँ से भागने की सोचकर लॉला को कहता है कि प्लीज मुझको टॉयलेट जाने दो, जिसे सुनकर लॉला पास में रखे एक ग्लास के दूध को पी जाती है और नीचे बैठकर ब्रेंट को उसमें कहती है, जिसके लिए ब्रेंट साफ मना कर देता है। मगर लॉला के डैड हथौड़ा लेकर आते हैं और बताते हैं कि इसी हथौड़े से मैंने तेरे को मारा था और अगर अब तूने नहीं किया तो मैं तेरे वहां पर कील गाड़ दूंगा। लॉला 10 तक गिनती करने लगती है और ब्रेंट डर के मारे मजबूरी में टॉयलेट कर देता है। इसी बीच वो लॉला को जोर से लात मारता है और वहां से भागने लगता है।
बाहर आकर ब्रेंट उनकी गाड़ी के नीचे छिप जाता है, जिसके बाद लौला के डैड को जब ब्रेंट कहीं नहीं मिलता तो वो उसको गाड़ी में ढूंढने लगते हैं। तभी उसको ब्रेंट दिखाई देता है और वो ब्रेंट के पीछे गाड़ी लगा लेता है और भागते हुए ब्रेंट सामने पेड़ पर चढ़ जाता है। अब लौला और उसके डैड मिलकर ब्रेंट को पत्थर से मारने लगते हैं। एक पत्थर सर में लगने से बेहोश होकर ब्रेंट नीचे गिर जाता है और अब वो दोबारा ब्रेंट को अंदर लाकर बांध देते हैं। वो इस बार उसके पैर में चाकू गाड़ने लगते हैं। लौला ब्रेंट की गोद में बैठकर उसको रोने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें रोते हुए देखना है, और ब्रेंट के ना रोने पर उसके डैड चाकू को और अंदर तक गाड़ देते हैं। अब ब्रेंट दर्द से चिल्लाने लगता है। उधर पॉल ब्रेंट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बैठकर वो म्यूजिक सुन रहा होता है। दूसरी ओर कार्ला और होली घर बैठे ब्रेंट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच डोरबेल बजती है, जहां जाकर देखने पर उन्हें पॉल मिलता है जो ब्रेंट का म्यूजिक प्लेयर लाया था। इधर लौला ब्रेंट को एक एल्बम दिखाने लगती है। उसमें लगी तस्वीरें उन लड़कों की हैं जिन्हें वो मार चुकी है। इन लड़कों में एक लड़का टिमी वैलेंटाइन भी होता है। ब्रेंट उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है। ये वही लड़का है जो ब्रेंट की कार के सामने आया था और उस एक्सीडेंट में उसने अपने डैड को खो दिया था। और आखिरी में ब्रेंट की तस्वीर लगी होती है। एल्बम दिखाने के बाद लौला कहती है कि डैड मैं अब ड्रॉ करना चाहती हूँ। फिर वो ब्रेंट के शरीर पर हार्ट बनाकर उसमें एलएस लिख देती है, यानी कि लौला स्टोन, और वो हर लड़के के साथ ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो ब्रेंट के शरीर पर नमक फेंकने लगती है जिससे वो और ज्यादा तड़पे, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ब्रेंट को नमक के कारण बहुत ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी रात ढलने पर वो म्यूजिक को प्ले करती है। लौला ब्रेंट के साथ डांस करने लगती है। वो उसको बताती है कि मैं ये गाना अपनी शादी में प्ले करूंगी, मगर तुम वो खुशनसीब नहीं हो जिससे मेरी शादी होगी। ऐसा कहते हुए वो ब्रेंट के पैरों में गड़े चाकू को दबा देती है और फिर से ब्रेंट को छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच ब्रेंट पास में रखे एक ब्लेड को उठा लेता है जिससे वो रस्सी को काटने लगता है। फिर डांस करते हुए लौला कहती है कि डैड आप ही मेरे प्रिंस हो, तभी तो अब तक मुझको कोई नहीं मिला। और ऐसा कहते ही वो एक दूसरे को लगते हैं और पास आने लगते हैं। इधर पॉल होली को बताता है कि मैंने सर्च और रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो, ब्रेंट जल्द ही मिल जाएगा। घर आकर होली अपने रूम में रोने लगती है। इधर लौला और उसके डैड सड़क से उठाए उस जानवर को बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब ब्रेंट को समझ आता है कि ये लोग प्रॉम के बाद हर साल उन लड़कों को बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब खाना फेंकने के बाद लौला ब्रेंट के सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि ये मेरी पहली ड्रिलिंग है, और उसके डैड उसको एक ड्रिलिंग मशीन दे देते हैं। लौला ड्रिलिंग करने के लिए मशीन लेकर ब्रेंट के करीब आने लगती है, जबकि उसके डैड ब्रेंट का सर पकड़ लेते हैं, लेकिन लौला से वो ड्रिलिंग मशीन फिसल जाती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा ड्रिलिंग मशीन को दोनों हाथों से पकड़ो। और इस बार लौला ब्रेंट के सर में छेद कर देती है। इसके बाद वो गर्म पानी लेकर आते हैं। लौला अब ब्रेंट को बताती है कि ये पानी डालते ही तुम भी उस औरत की तरह बन जाओगे, ये तुम्हारे दिमाग को उबाल देगा। इधर ब्रेंट अपने डैड, मॉम और अपनी गर्लफ्रेंड होली को याद कर रहा होता है। फिर पानी डालते हुए लौला रुक जाती है। वो बोलती है कि डैड मुझको ये होल छोटा लग रहा है। इस पर उसके डैड दोबारा ब्रेंट के सर में ड्रिल करने लगते हैं। उधर ब्लेड को घिसते घिसते ब्रेंट अपनी रस्सी को काट लेता है और वो उसके डैड को धक्का मारता है और ड्रिलिंग मशीन लेकर बाकी रस्सियां काट लेता है। इसके बाद वो पैरों से चाकू भी निकाल लेता है और अब उसी चाकू से लौला के डैड की गर्दन पर हमला करके उसको मार देता है। तभी लौला ब्रेंट पे पीछे से हमला करती है और थोड़ा लड़ने के बाद ब्रेंट लौला को जोर से मारकर बेहोश कर देता है और जाकर उसके डैड को धक्का देके बेसमेंट में गिरा देता है। वो देखता है कि कुछ लोग आकर उसको खाने लगे हैं, मानो वो बहुत समय से भूखे हों। अब ब्रेंट बेसमेंट में देख ही रहा होता है कि लौला पीछे से आकर ब्रेंट को भी बेसमेंट में धक्का दे देती है और अपने डैड को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर वो गुस्से में बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब अंधेरे में ब्रेंट जैसे ही टॉर्च ऑन करता है, वो लोग उस पर हमला कर देते हैं जो बेसमेंट में थे, मगर ब्रेंट उन सबको मार देता है क्योंकि वो सब बहुत भूखे और कमजोर थे। सबको मारने के बाद जब ब्रेंट अपने चारों ओर देखता है तो उसको हड्डियों का ढेर नजर आता है। इधर दूसरी ओर लौला उस औरत को मारने के लिए चली जाती है जिसके सर में छेद बना था, जबकि दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं। वो अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर की ओर देख रहा होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो लड़का टिमी वैलेंटाइन पॉल का ही बेटा था जो ब्रेंट की कार के सामने आया था। इधर लौला उस बूढ़ी औरत को मार देती है,
दूसरी ओर होली को सोते हुए याद आता है कि ब्रेंट ने उसको बताया था कि लॉला स्टोन ने उसको प्रॉम में अपने साथ आने को कहा था और वो तुरंत ये बात पॉल को बताती है। अब पॉल रात को ही लॉला के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर पॉल खिड़की से देखता है, अंदर फर्श पर खून है। इसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर हॉल में आ जाता है। पॉल को अंदर आता सुनकर ब्रेंट बेसमेंट में से मदद के लिए आवाज लगाता है ताकि उसकी आवाज बाहर तक पहुंच सके। आवाज सुनकर पॉल बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, तभी लॉला वहां पर आकर पॉल के सर में कुल्हाड़ी गाड़ देती है और वो भी बेसमेंट में गिर जाता है। इधर ब्रेंट पॉल की गन उठाकर लॉला पर गोली चलाने लगता है, मगर वो दूसरी ओर हट जाती है। फिर लॉला ब्रेंट को बताती है कि अब मैं पहले जाकर तुम्हारी माँ को मारूंगी जिस तरह तुमने मेरे डैड को मारा, और फिर प्यारी होली के दिल में छेद करूंगी जिस तरह तुमने मेरे किए। और इसी के साथ वो यहाँ से ब्रेंट के घर की ओर निकल जाती है। इधर होली भी पॉला के घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में किसी चीज के टकराने से कुछ आवाज आती है और होली गाड़ी रोक देती है, लेकिन तभी वो लॉला को वहाँ पर देखती है। वो अंदर आकर होली से लड़ने लगती है। कुछ देर बाद होली लॉला से बचते हुए भागने लगती है। इधर ब्रेंट को आइडिया आता है और वो सभी लाशों को एक साथ लगाकर उसकी मदद से बाहर आ जाता है और बाहर खड़ी पॉल की गाड़ी लेकर तेज स्पीड में सीधा अपने घर की ओर आने लगता है। रास्ते में उसको होली दिखाई देती है, जिसके बाद वो होली को बचाने के लिए लॉला को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। होली भागकर ब्रेंट के पास आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाती है। फिर वो दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। इधर लॉला कार के टकराने के बाद भी मरी नहीं थी, वो चाकू लेकर रेंगते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। इसीलिए ब्रेंट गुस्से में गाड़ी पीछे करके लॉला के सर पर चढ़ा देता है, जिससे लॉला वहीं पर मारी जाती है। जहां एंड में हम देखते हैं कि कार्ला खिड़की से आते हुए एक गाड़ी को देखती है। वो भागकर वहां पर जाती है जहां पर उसको ब्रेंट और होली मिलते हैं, जिसके बाद कार्ला रोते हुए ब्रेंट और होली को गले लगा लेती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि द लव वंस की कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।